नमस्कार मैं हूँ सुरुचि और बजाज टॉकीज़ के आज के एपिसोड में विनोबा भावे और गांधी जी के इस पावन नगरी वर्धा में हम आ गए हैं रिवर रेजुविनेशन के प्रोग्राम की बात करने के लिए जी हाँ ये है यशोदा का रिवर बेसिन जहाँ पर हमने काफ़ी सारा काम किया है थ्रू बजाज फाउंडेशन और इसी के बारे में हमसे बात करने के लिए अभी हमारे साथ मौजूद है राजू पवार जी जो प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर हैं रिवर मैनेजमेंट uh, और वाटर uh, मैनेजमेंट का काम देखते हैं सो so, प्लीज बताइए क्या है थैंक यू थैंक यू वर्धा एक डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रिक्ट में से है विधर्भा के जो डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रिक्ट छ उसमें से वर्धा एक मेजर डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पर सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है वो वाटर को लेकर है और वाटर जब वाटर की बात होती है तो वाटर से काफी चीज़ें जुड़ी हुई है जैसे कि पूरा लाइवलीवुड पूरा एग्रीकल्चर और काफ़ी चीज़ें जो है इनडायरेक्टली जुड़ी होती है वो पानी से जुड़ी होती है ड्रिंकिंग वाटर ऑफकोर्स अब जब हमने शुरुआत की आज से करीबन 12-13 साल पहले जब हम यहाँ पर घूम रहे हैं तो सबसे बड़ा चैलेंज हमें ये था हम किसानों को पूछने लगे कि हमें इरिगेशन आपका बढ़े उसके लिए हमें क्या क्या प्रयत्न करने चाहिए तो किसान हमें बताने लगे कि आप इरिगेशन बनाओगे तो आपको चेक डैम्स वगैरह बनाने पड़ेंगे तो अगर चेक डैम्स वगैरह बनानी है तो आपको जगह चाहिए होगी तो बोल हाँ हमें तो जगह चाहिए लेकिन हमारी तो सारी जो रिवर्स है वो तो सिल्टअप हो चुकी है हमारे खेत का लेवल और ऑलमोस्ट रिवर का लेवल जो है वो एक जैसा हो चुका है अगर चेकडैम्स बनाना है पानी बनाना है इरीगेशन करना है तो फिर हमें सबसे पहले उसको डिसील्ट करना पड़ेगा जो रिवर है उसको हमको शुरुआत जहाँ से होती है सो अंत तक जहाँ तक वो पहुँचती है वहाँ तक उसको रिज्यूनरेट करना पड़ेगा उसको ज़िंदा करना पड़ेगा और बाद में फिर वाटर के स्ट्रक्चर हमें बनाने पड़ेंगे तो अब एक एक पार्ट हुआ तो फिर हमने नीड असेसमेंट का काम शुरू हुआ कि ये हुआ कैसे तो हमें पता चला जब हमने रेन रेनफॉल पैटर्न को हमने स्टडी किया तो रेनफॉल पैटर्न ऐसा है वर्धा का अन और इरेटिक भी है तो कभी कभी फ्लड की सिचुएशन भी हो जाती है जब एक दिन में सौ डेढ़ सौ एम बारिश होती है तो उस समय क्या होता है कि सब आसपास के जो रिवर्स के आसपास के खेत हैं उनमें पानी भरा होता है तो हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज कि वो फ्लड को भी हमको एड्रेस करना है प्लस इरिगेशन भी बढ़ाना है अब दूसरा चैलेंज ये है कि रिवर जब रिज्यूरेट होगी तो काफ़ी किसानों की आसपास में जो जमीन है उसके ऊपर बंड का फॉर्मेशन भी होगा और सेफ डिस्चार्ज हो और प्लस वाटर के स्ट्रक्चर भी बने ये सबसे बड़ा चैलेंज अब सेफ डिस्चार्ज मतलब इसमें पानी रुकना चाहिए कंजर्व होना चाहिए हार्वेस्ट होना चाहिए ये भी हमारे लिए चैलेंज तो हमने तीन मोड पर काम शुरू करना कमलनाथ जमनालाल बजाज फाउंडेशन ने जब इनिशियली शुरुआत की तो किसानों ने एज ए साइंटिस्ट हमें बताया कि ये सब चीज़ें हैं तो टेक्निकली उसको अच्छा बनाने के हिसाब से हमने उसको थोड़ा सा सेफ डिस्चार्ज कैसे हो कितना वर्थ होना चाहिए कितना डेप्थ होना चाहिए इस पर हमने काम करना शुरू किया फिर हमने कुछ इनिशियली हमने कुछ पैचेस में काम किया तो उसको एप्रिशिएट मिलने लगा उसको समझ में आने लगा किसानों को कि ये इससे फ़ायदा हो रहा है तो फिर हमने शुरुआत किया रिवर रिज्यूनेशन के बेसिन पर काम करना काम करने का काम कार्य शुरू किया अब रिवर रिजुनेशन में हमने काम किया तो वो किया हमने यशोदा रिवर, रिवर रिजुनेशन एक जो बड़ा नेशनली एंड इंटरनेशनली जिसको एप्रिसन मिला है उस रिवर बेसिन पर काम किया है ये रिवर बेसिन 143 विलेजेस में से पास होती है ये रिवर ये रिवर मतलब इसके सब ड्रेंस ड्रेन्स सभी मिलाकर ये 143 विलेजेस चार तालुका कवर करते हुए ये, ये आ, काम करती है वर्धा के आरवी तालुका के आरवी तालुका के बोरीबारा से शुरू होकर ये हिंगन घाट में जाकर फिर आगे चंद्रपुर वर्धा रिवर में ये मिलती है अब ये एक 143 फोर्टी विलेजेस को चैलेंज करना प्लस ये सभी चीज़ों को आगे लेके जाना कंजर्वेशन हार्वेस्ट और रिचार्ज मोड पर काम करना ये सभी चैलेंज को काम करते करते अब आप देख रहे होगे कि हमने वर्धा रिवर रिवर, रिवर रिज्योनेशन प्रो, प्रोजेक्ट जो है ये पूरा किया है तो कितना समय लगा ये पूरा प्रोजेक्ट करने में जैसे कि आपने बताया काफ़ी चैलेंजेस रहे पहले आप लोगों ने स्टडी किया और फार्मर्स से जाना कि किस तरह ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है तो कितना समय लगा ये पूरा प्रोजेक्ट कम्प्लीट होने में इसको हमने चार साल पूरे लगे हैं इस रिवर एजुनेशन के पहले कुछ समय हमारा नीड एनालिसिस कम्युनिकेशन अवेयरनेस बिल्डिंग और वो सब चीज़ें कैपेसिटी बिल्डिंग किसानों को अवेयर करना इन सब चीज़ों में थोड़ा सा समय हमने दिया फिर बाद में हमने एक्चुअल एग्जीक्यूशन का काम शुरू किया जो रीच से लेकर वैली तक मतलब एंड तक हमने सभी जो ड्रेन्स है किसानों के खेत में पानी ना आए वाटर लॉगिंग ना हो इसका भी हमने काम करते करते हम ये रिवर रिज्यूनेशन का काम चार साल में पूरा किया है तो अभी कितना फ़ायदा हुआ इसके बाद और अगर कंपेयर करें पहले की और अभी की सिचुएशन में तो क्या एक आ, चीज़ है जो आप मेंशन करना चाहेंगे मेन बेनिफिट इसका ये हुआ कि करीबन इसके आसपास में जो किसान है जिसकी वाटर लॉगिंग से ज़मीन जाती थी करीबन ट्वेंटी मोर देन ट्वेंटी थाउजेंड एकड़ ऑफ जमीन जो है वो वाटर लॉगिंग फ्री हो गई करीबन अगर इंटीग्रेटेड देखा जाए तो डेढ़ लाख से ऊपर एकड़ जो है आ, एकर्स ऑफ लैंड को बेनिफिट मिला है करीबन छः हज़ार जो आसपास के कुएँ हैं उनका वाटर लेवल बढ़ा है ये अगर ये आंकड़ों में ये आंकड़े आंकड़ों के अलावा भी काफ़ी बेनिफिट्स हुआ है जो एग्रीकल्चर में एक क्रॉप लिया करते थे वो दो क्रॉप पे शिफ्ट हुए कुछ कुछ लोग तीन क्रॉप पर भी शिफ्ट हुए इसमें रिवर जो था इसमें फ्लो सिर्फ बरसात में दिखा करता था आज वो महीने कहीं कहीं बारह महीने इस रिवर में फ्लो दिखता है अभी। तो इस पूरे प्रोजेक्ट के चलते वाटर रिचार्ज भी हुआ है लोगों को इरिगेशन में भी फायदा मिला है जहाँ जिनके दूर के खेत हैं जहाँ पर पानी नहीं पहुँच पाता था और यहाँ पर भी आप देखेंगे काफी हरियाली हमें नजर आ रही है सो आगे का अब क्या प्लान है क्या है नेक्स्ट प्रोजेक्ट हमारा जिस तरीके से हमने काम किया है वो इंटीग्रेटेड अप्रोच में किया कमल ने जमुना बजाज फाउंडेशन के द्वारा हमने छः सौ किलोमीटर का काम हमने अब तक किया है वर्धा में ग्यारह रिवर बेसिन है ग्यारह में से चार पेरेनियल है लेकिन बच्ची अभी सात है तो सातों को अगर पेरेनियल करना है तो यशोदा एक एग्जाम्पल हमने सेट किया है तो बचा हुआ अभी काफ़ी काम है जो हमें इंटीग्रेटेड अप्रोच में आगे लेकर जाना है और उसी तरीके से इम्पेक्ट में इससे ज़्यादा और अच्छा कैसा कर पाए ये हमें देखना है हमारी बात हुई थी हरी भाई जी से तो उन्होंने भी कहा था कि पूरा एक महाराष्ट्र गवर्नमेंट भी इसमें हमारा सपोर्ट कर रहे हैं और बाकी के बेसेंस को भी रेजुविनेट करने की पूरी तैयारी है बजाज फाउंडेशन की जी बिल्कुल हमारा प्रयास वही है क्योंकि हमने काम करके मॉडल खड़ा किया है और जिसको नेशनली इंटरनेशनली अप्रिसन भी मिला है और किसान भी आपको बताएंगे वर्धा जिले के कि इस प्रकल्प की वजह से क्या क्या उनको बेनिफिट मिला है तो वो तो 55 परसेंट जो है गवर्नमेंट ने इसमें फाइनेंशियली सपोर्ट किया है टाटा ने 5 परसेंट सपोर्ट किया है 35 परसेंट जो है कमलैन जमनाला जमनालाल बजाज फाउंडेशन ने सपोर्ट किया है और 5 परसेंट जो है कम्युनिटी ने सपोर्ट किया है तो इस तरीके से एक प्रोजेक्ट जो पार्टिसिपेटरी प्रोजेक्ट है वो उस तरीके से बना है जी तो ये बहुत ही अच्छी बात राजू पवार जी ने बताई कि पार्टिसिपेटरी अप्रोचेस के चलते ये एक जो मॉडल तैयार हुआ है ये काफ़ी ज़्यादा सराहनीय है और इसी के चलते इसे काफ़ी सारे अवार्ड्स भी मिले हैं नेशनल अवार्ड मिनिस्ट्री जल मिनिस्ट्री का अवार्ड इंटरनेशनल वाफ अवार्ड से भी इसे सम्मानित किया गया है और आगे भी जो कि हम पार्टिसिपेटरी अप्रोचेस की बात कर रहे हैं हम इन्वाइट करना चाहेंगे रंजीत जी को जो इस पूरे इरीगेशन और रिवर एजुविनेशन प्रोजेक्ट के बेनिफिशरी हैं तो रंजीत जी आप बताइए किस तरह से आपको ये पूरा फायदा नज़र आता है आ, हमारे पास जब कमल जमनाला लाल बजाज फाउंडेशन की टीम हमारे पास पहुंची थी तो उस टाइम उन्होंने सब कुछ हमारे हमको बता दिया था का ऐसा ऐसा प्रो, प्रोजेक्ट है वो तो हम लोगों पहले तो तैयार नहीं थे हम लोग सब क्योंकि ये कौन सा प्रोजेक्ट है क्या है क्योंकि पता ही नहीं था हम लोगों को तो उन्होंने एक मीटिंग रखी थी गाँव वाले की तो उस टाइम सब लोग एग्री हो गए उसके बाद हमारी जो पाँच एकड़ जमीन थी अभी ये नाला और डैम होने के बाद सब जमीन अभी उपजाऊ हो गई और जब हमारा जो कुआ था तो पहले हमारे कुएं में वाटर लेवल थी वो बहुत कम थी क्योंकि हमारे जो पम्प थे पाँच एच के तो वो दो घंटे ही चलती थी अभी जो वाटर लेवल बढ़ गई तो अभी हमारी दिन भर ही मोटर चलती है और दस एकड़ खेती अभी वलित कर रहे हम लोग अब पहले हम लोग सिर्फ कपास और सोयाबीन का ये कप ये लेते थे क्रॉप लेते थे अभी हम लोग गेहूँ चना और गन्ना और बारह ही महीने हम लोग अभी फसल ले रहे और पाँच एकड़ का हमारा उत्पन्न भी अभी बढ़ गया है आई एम श्योर आपकी इनकम में भी काफी फायदा हुआ होगा इतने सारे क्रॉप्स सब ग्रो कर रहे हैं आप अपने परिवार का पेट पाल सकते हैं और सभी को आप इंस्पायर भी कर रहे हैं दूसरे फार्मर्स को कि इस तरह के प्रोजेक्ट से जुड़े तो कैसा आ, कैसा लगता है अब आपको हमको बहुत अभी खुशी मिल रही है क्योंकि हमारा उत्पन्न भी बहुत बढ़ बढ़ रहा है और लोगों को भी अभी अवेयरनेस कर रहे बाकी लोगों की कि ये प्रोजेक्ट होने के बाद हमको तो बहुत फायदा हो गया आप भी लोग ऐसा काम कर लो बा कि आपको भी बहुत फायदा हो जाएगा कोई कोई लोग अभी डायरेक्ट इरीगेशन ये नाले से अभी कर रहे हैं तो जैसे कि हमने अभी रंजीत जी से बात की उनके खेतों के आसपास जो रिवर एजुमिनेशन हुआ है उसका फ़ायदा दूर दूर तक और भी किसानों को हुआ है लिफ्ट इरिगेशन के माध्यम से जी हाँ तो बात करते हैं लिफ्ट इरिगेशन के लाभार्थी हमारे एक और किसान भाई आ, सर आप अपना नाम बताइए अमुल मानकर अमुल मानकर तो आपको किस तरह से फ़ायदा हुआ है इस पूरे प्रोजेक्ट से आ, कितने बड़े खेत हैं आपके और क्या फ़ायदा हुआ है आपको जी ये आंजी गांव है हमारा या हमारे खेत से एक डेढ़ किलोमीटर तक पानी का कोई दूसरा सोर्स नहीं था नहीं। तो कमल नयन बजाज फाउंडेशन की तरफ से जो हमने लिफ्ट इरीगेशन किया तो डेढ़ किलोमीटर जो हमारी रिवर है वर्धा रिवर उसमें से हमने ग्रुप इरीगेशन करके पानी लिया है तो इससे पहले हम सिर्फ साल में एक ही फसल ले पाते थे लेकिन इरीगेशन होने के बाद हम एक साल में तीन फसल ले पाते हैं और अभी हमारे मौसम्बी का और अमरुद का भी बगीचा है तकरीबन दस एकड़ में तो पांच किसान मिलकर हमारी पच्चीस एकड़ खेती पूरी इरीगेशन के नीचे आ गई है अच्छा। तो इरीगेशन के वजह से तीन फसल लेने की वजह से और बगीचे के वजह से हमारी अभी फाइनेंशियल कंडीशन भी अच्छी है इसलिए हम कमल नयन बजाज फाउंडेशन के मन से धन्यवाद करते हैं क्योंकि पानी का कोई सोर्स ना होने की वजह से तो हम बंजरी जमीन थी हमारी लेकिन वर्धा के देवली ब्लॉक में बजाज फाउंडेशन के एफर्ट्स के चलते काफी सारे फार्मर्स ने यहाँ प्लांट्स अपनाए हैं और हमारे साथ हैं प्रशांत जी जो बजाज फाउंडेशन की तरफ से हैं और ये अभी हमें यही बता रहे थे कि इस विलेज में लगभग चार हजार लोगों ने अभी तक बायोगैस प्लांट्स लगाए हैं सो प्रशांत जी प्लीज बताइए कैसे आप लोग लोगों को इंस्पायर कर रहे हैं मुझे काफी खुशी होती है कि जब हम ये चीज को बढ़ावा देते हैं तो कमल ने जमनालाल बजाज फाउंडेशन ने सन 2009 से वर्धा ज़िले में काम शुरू किया है जिसके अंतर्गत हम अगर देखते हैं तो हमने पानी विकास स्रोत है रीन्यूबल एनर्जी है उसके बाद सेल्फ रिलायंट फैमिली वुमेन एम्पॉवरमेंट काफ़ी सारे काम किए और जिसमें एक महत्वपूर्ण काम है ये अगर हम प्लान देखते हैं तो आप अगर अभी तक की हम पूरा काम देखते हैं तो नियर अबाउट आज तक लगभग साढ़े हा चार हज़ार प्लान्ट हमने वर्धा में इंस्टॉल किए हैं और साथ में ही ये हमारा जो कार्यक्रम है साढ़े छः सौ गाँव तक गया है और इसमें एक सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अगर हम देखते हैं कि एनर्जी सफिशेंट फैमिली अगर हम देखते हैं तो वो एक ज़रूरतमंद चीज़ बन गई है आप देखो कि आज हम कितने डिपेंड है अगर वो देखते हैं तो ये दिनबंधु बायोगैस प्लांट एक छोटा सा ही संयंत्र है कुछ भी ज़्यादा इसमें टेक्नोलॉजी नहीं एक साधा सर्वसाधारण कारागिर इसको अगर हम प्रॉपर ट्रेनिंग देते हैं तो वो इंस्टॉल कर सकते हैं तो अगर वो देखते हैं तो ये जो है बायोगैस संयंत्र है एक लगभग चार पाँच दिन में तैयार होता है और यहाँ पे ज़्यादा कुछ ऐसे इंजीनियरिंग की जरूरत नहीं है और सबसे महत्वपूर्ण बात है देखो अगर हम एक फैमिली की बात करते हैं तो उसमें उनको एनर्जी हर दिन लगती है और एनर्जी के लिए वो कहाँ पे डिपें लगता है वो मार्केट से लाता है अगर वही चीज़ अगर हम ये इंस्टॉल करते हैं तो क्या होगा एक तो वो एनर्जी उनके घर में मिल जाएगी फ्यूल उनको मिल जाएगा ईंधन से मुक्ति हो जाएगी दूसरी चीज़ इनको लगता है गोबर अगर हम कोई भी चीज़ हमारे रोज़मर्रा जिंदगी में लाते हैं तो उसका क्या होता है हमारी वो आदत बन जाती है इसको खा गोबर लग रहा है तो ऑब्वियसली क्या होगा कि वो गोबर उनको कैटल से मिल रहा है तो एक जो हमें आज की किसानी की दिक्कत है कि कैटल वो बेच रहा है तो क्या होगा ये बा, बायोगैस दीनबंधु बायोगैस प्लांट जो है इस वजह से वो कैटल को भी पालना शुरू कर देगा और ज़्यादा कैटल घर में रखेगा तीसरी सबसे सब महत्वपूर्ण बात है कि इससे जो स्लरी निकल रही है तो वो स्लरी क्या करेगा वो खुद के खेत में डालेगा चाहे वो घनजीवामृत बनाने बनाने के बाद डालेगा चाहे डायरेक्ट डालेगा जैसे भी हो मगर क्या होगा एक सॉइल की जे जो आ, हेल्थ बोलते हैं आज की बहुत बड़ी समस्या है कि जमीन उपजाऊ बनाने के लिए वो मार्केट के ऊपर निर्भर है तो क्यों मार्केट के ऊपर निर्भर रहे है? हम हम यही खाद हम कहाँ पर डालेंगे हमारे खेत में डालेंगे तो कहने का मतलब है कि अगर वो एल सिलेंडर से उनकी मुक्ति हो जाएगी दूसरी चीज़ कि लकड़े जो जमा करते हैं वो या खरीदते हैं तो उससे मुक्ति हो जाएगी और दूसरी बात कि जो खाद वो खरीदता है वहाँ से मुक्ति हो जाएगी सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आज जो गाय है जो बैल है हम बेच रहे हैं जो किसानी के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो पालना शुरू कर देंगे तो ये सारी जो सिचुएशन है तो हमारे लिए एक एक पॉजिटिव सकारात्मक सोच बन के हमारे गांव में आ जाएगी हमारे घर में आ जाएगी सो so, प्रशांत जी ने हमें अभी बायोगैस के फायदों के बारे में बताया लेकिन इसमें हमारे साथ अभी बेनिफिशियरी खुद मौजूद हैं जो बताएंगे कि कितना इनकी तरफ से इन्वेस्टमेंट हुआ और क्या इन्हें एफर्ट्स करने पड़े सो प्रशांत जी प्लीज इन तो आ, हमारे साथ है हमारे मित्र बायोगैस के बेनिफिशियरी संकेत भाई संकेत ढोक हम सोनोरा ढोक विलेज में है साथ में हमारे साथ पांडुरंग भाई पंडरंग है पांडुरंग काका निकम है काका। तो हमारे साथ ये भी चर्चा करेंगे जी जी बिल्कुल तो आपने कब इस बारे में सोचा कि आपको अपने खेत में बायोगैस प्लांट लगाना है मुझे एक साल पहले लगा कि मेरे पास गाय है तो गाय का गाय से अपन एनर्जी जनरेट कर सकते हैं तो इसलिए मुझे बजाज फाउंड कमल नैन बजाज फाउंडेशन के एक एम्प्लॉय ने बताया कि ऐसा ऐसा प्लांट है तो मैंने उनको बोल दिया कि अभी मुझे ये करना है तो इसकी वजह से मेरा बेनिफिट ऐसा हुआ कि मुझे एक साल में छः सिलेंडर लगते थे अभी छः सिलेंडर के छः हज़ार रुपये मेरे दर साल बच रहे हैं और मुझे लकड़ियाँ काटता था खेत में से उसका भी तीन चार हज़ार रुपये दर साल लगता था वो भी बच रही है और इससे इस अच्छा ख़त निकलता है स्लरी से तो मुझे दो तीन एकड़ में समझो कि दस हज़ार रुपये का खत रासायनिक डालना डालता था मैं पहले अभी मैं ये स्लरी की वजह से मेरा दस हज़ार रुपये वो भी मेरा बच रहा है हर साल का खेत भी नेचुरल फर्टिलाइजर्स मिल रहे हैं गर, सब कुछ अच्छा खाद वगैरह अच्छा अच्छी तरह से मैं खा सकता हूँ आपके घर में कौन कौन है कौन खाना बनाते थे पहले लकड़िया कौन करते थे मेरी माता जी लकड़िया इकट्ठी करती थी और वो ही खाना बनाती थी तो काफी उनको भी सहूलियत मिलती होगी वो खुश है खुश है अभी वो वायु प्रदूषण भी नहीं होता था पहले वो लकड़ियाँ जलानी पड़ती थी बारिश भी होती थी अभी वो थोड़ा एनवायरमेंट घर का फोटो अच्छा हो गया है नमस्कार जी हाँ, बायोगैस प्लांट कैसे चलाते हैं आप क्या करते हैं ये घोलना पड़ता है बीस किलो गोबर डाल हाँ, के इसको सवेरे घोलने का छोड़ने का उधर पानी, अच्छा, पानी, भी डालते हो पानी, पानी भी हाँ पानी पानी बिगड़ तो चलता ही नहीं जब उधर वो पास हो जाता हाँ, इधर सिगड़ी चलती है सिगड़ी आपने भी देखी है कैसे चलती है खाना खाता ना मैं मालक के घर का तो so, कैसा लगता है खाना अच्छा बनता है अपना गैस से ज़्यादा लगता है खाना ये काफ़ी अच्छी तरह इन्होंने बताया हमें कि सभी को काफ़ी अच्छा फ़ायदा मिल रहा है और ये खुद भी इस बात से खुश हैं इन्हें लग रहा है कि ये सेल्फ सफिशेंट हो गए इन्हें अब गैस की ज़रूरत नहीं पड़ रही है आई थिंक आज के ज़माने में जब महंगाई इतनी बढ़ गई है तो यही गाँव में हमारे किसानों के लिए काफ़ी अच्छी बात है कि उन्हें ये फीलिंग आ रही है कि दे हैव बिकम